वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 35 में साइंस का जो टॉपिक है मोशन हमारा कंटिन्यू हो रहा है। इसके अंदर हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट कवर्स अ डेफिनेट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधा चल रहा हो और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड बेसिकली, लेकिन वो बढ़ती रहती है स्पीड, ठीक है। अगर वो बढ़ रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रही है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से उसका जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि एक टाइम इंटरवल में, मतलब 1 घंटे में या 5 सेकेंड में या 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा। द डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो क्वेश्चन यहाँ पे टाइम, देखो यहाँ पे टाइम दे रखा है ना, तो इसीलिए इस इक्वेशन को टाइम पोजीशन बोला जाता है। इस इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टाइम की मदद से हम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उसने 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला होगा या 20 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला होगा। कंडीशन अप्लाई, हमें उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखी हो। दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे उसकी डेरिवेशन जो है वो दे रखी है। इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी तक पहुंचा। अब मुझे जो है इसकी मदद से कुछ चीजें पता चल जाएगी। ये क्या है इसका यू, यू देखो ये पैरेलल है ना, तो ये भी इसका यू हो जाएगा। यू का मतलब हो गया इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनिशियल वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट इज यू, और फाइनल वेलोसिटी हो गई पूरी बी तक, ठीक है। और इसी के मदद से हमें यहाँ पे ए से बी तक का जो है ये इक्वेशन हमें निकालनी है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, एरिया होता है। ये हम लास्ट कुछ एक पिछली एक जो वर्कशीट में हमने देखा था एरिया। देखो एरिया इसके अंडर कैसे निकाला जा सकता है, ए से बी तक का वो निकाला जा सकता है। इस रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकाल लें और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लें तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। देखो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, ओ ए इंटू ओ सी, तो ओ ए इंटू ओ सी इस तरीके से है, ठीक है। अब सेम चीज हमने ऊपर भी देख ली है, यहाँ पर ओ ए इंटू ओ सी यहाँ पर हम निकाल सकते हैं। तो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया, ए डी इंटू बी डी ये दे रखे हैं यहाँ पे ए डी और ये दे रखा है बी डी। अब इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज डाल देंगे। ओ ए क्या था, ओ ए था यू, देख रहे हैं यहाँ पे गैप दे रखा है, ओ ए यू था। और ओ सी क्या था, ओ सी बेसिकली यहां से लेके यहां तक यहाँ पे क्या था, ओ सी क्या था, टाइम था टी, तो यहाँ पे ओ सी दे दिया उन्होंने टी। अब ए डी क्या था, ए डी भी क्या था यहाँ पर, वो टाइम था। देखो पैरेलल पता चल रहा है ना यहाँ पर ओ सी का, तो ये भी टी है। अब आखिरी बचा बी डी, बी डी बहुत इंपॉर्टेंट है। बी डी कैसे आएगा, बी डी इज नथिंग बट स्पीड एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे लगाया, बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया यहाँ पर। तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हमारे पास स्पीड क्या है, एक्सेलरेशन, उसको मैं लिख सकता हूँ ए, ठीक है। डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, बी डी, बी डी हमें निकालना है, बी डी अपॉन टाइम। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं मल्टीप्लाई करा दूं तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बी डी इक्वल्स टू ए टाइम्स टी। तो बी डी की वैल्यू हमें ए टाइम्स टी मिल गई, वो यहाँ पे भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि सारी की सारी वैल्यूज कैसे निकालनी है। बस आपको अब क्या करना है, इन सब वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देना है। तो सब्सिट्यूट कैसे करना है, तो ओ ए के अंदर हमने यहाँ पे देखो यू डाल दिया, ओ सी के अंदर यहाँ पे देखो हमने टी डाल दिया, हाफ का हाफ रखा, और ए डी के अंदर हमने वापस टी डाला, और बी डी की हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल ली थी, क्या डाला, ए टी। जब हम इसको ओपन करेंगे एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी, ए टी कैसे आया, ए और यहाँ पे टी इंटू टू मल्टीप्लाई हो गया टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर हम फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है एक्सेलरेशन, एस क्या है डिस्टेंस, और टी क्या है टाइम।
तो ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला एक्सप्लेन हो गया बेसिकली। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, समझ लें। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। ब्रेक्स अप्लाइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेक्स जब अप्लाई होती है तो वहां पर एक्सेलरेशन नहीं होता, रिटार्डेशन होता है। ध्यान रखें, एक्सेलरेशन उन्होंने बोला जरूर है, वो रिटार्डेशन वर्ड यूज नहीं करते। जब ब्रेक्स अप्लाई हो रही होती हैं तो जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो माइनस में अप्लाई होती है, ध्यान रखें इस चीज को, माइनस में। तो यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ माइनस दिखाई भी दे जाएगा आपको, -6। तो एक्सेलरेशन नहीं है ये, बेसिकली रिटार्डेशन है। बट मैथ साइंस की बुक्स में जो है उसको रिटार्डेशन नहीं बोलते। अब आप खुद सोचो, एक बस है, देखो बस तो बहुत बेकार सी बनेगी अभी, एक बस है, ब्रेक लगी, एक टाइम के बाद जाके वो रुक जाएगी ना, स्टॉप हो जाएगी। तो स्टॉप जब हो जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो यहाँ पे देखो जीरो दे दिया उन्होंने। अब उसको कितना टाइम लगा है रुकने में? 2 सेकंड लगे, तो टाइम भी दे दिया। अब वो पूछ रहा है कि उसको कितनी देर बाद रुकी होगी, डिस्टेंस। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अगर आप दिमाग लगाए तो। एक बस में थे आप और उसमें ब्रेक लगाई, ब्रेक की जो स्पीड थी वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस में था ये वो थी, और वो पूछ रहा है कि 2 सेकंड के बाद वो रुक गई तो उसने कितना डिस्टेंस चला होगा। उसके लिए हमें उसकी वेलोसिटी भी चाहिए होगी यू। तो उसके लिए हम पहला ये जो है ना फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करेंगे वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसके अंदर जब हम वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जीरो। मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जीरो इक्वल टू यू, जीरो इक्वल टू यू -12। ध्यान रखें इस चीज को, देखो ये माइनस है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता है। अब ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 12 इक्वल्स टू यू। तो यू की जो वैल्यू हो गई वो 12 हो गई। अब देखो यू क्या था, आप खुद सोचो यू क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी। तो इसको मीटर पर सेकंड में जरूर लिखना। तो हमारे पास यू भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमारे पास जो है वो ये वाला फॉर्मूला है डिस्टेंस निकालने का। तो यू क्या है? 12। टी क्या है? 2 सेकेंड। हाफ का हाफ लिखा। ए क्या था? -6। और टी क्या है? 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर करेंगे। जब हम इसको सॉल्व कर देंगे ये 2 से, यहाँ पर इसको मत काट देना भैया, इसको मत काट देना, इसको 4 लिखना, बच्चों की बहुत गंदी आदत होती है सर, 2 से 2 काट दिया मैंने। तो बेटा इसको जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करना होता है, 4 आता है। तो यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 12। देखो -12 आया, नहीं आया -12, 24 से -12 12 मीटर। तो 12 मीटर इसका आंसर हो गया। ये तो हो गई आपके एग्जाम्पल्स की कहानी। अब आगे चलते हैं, राइट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। देखो भाई सेकेंड इक्वेशन तो ये रही, ये है सेकेंड इक्वेशन और ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा, ड्राइव करो। मैंने ड्राइव अभी सेकंड इक्वेशन हमें समझा दी थी, तो मैं फिर दोबारा आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जितना भी आपको ये पेज पे दिखाई दे रहा है ये से ड्राइव करनी है सेकंड इक्वेशन, ये पूरा नीचे तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है? पूरी डेरिवेशन लिखनी है और पेपर में आती है, तो जरूर इसको जो है ना प्रैक्टिस करें, याद करें। अब चलते हैं सीधा जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ कार एक्सेलरेट एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। अब वो एक्सेलरेट कर रही है मतलब बढ़ रही है, तो ये प्लस में लेना। फ्रॉम 5 से 10, 5 से 10 हुई 5 in 5 सेकेंड, ये इसका टाइम दे दिया। अब वो डिस्टेंस मांग रहा है, देख रहे हो कि डिस्टेंस मांग रहा है। देखो उसने एक्सेलरेशन दे दिया और टाइम भी दे दिया, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? सेकेंड इक्वेशन यूज करनी है। तो हम सेकेंड इक्वेशन इसको अंदर यूज करते हैं और इसको मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा आंसर, उम्मीद करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ। ओके, देखो एक्सेलरेशन दे दी 1 और इनिशियल वेलोसिटी दे दी 5, फाइनल दे दी 10। तो यहाँ पर टाइम दे दिया 5 सेकेंड। मैंने इसका फॉर्मूला लगाया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो स्क्वायर है, ऊपर जा नहीं रहा था, थोड़ा इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हमने इसके अंदर क्या कर दिया? 5 इंटू 5, यू क्या था? 5, और टी क्या था, टाइम क्या था? 5। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया हाफ 80 स्क्वायर। इसको जब मैंने सॉल्व करा तो इसका जो आंसर आ गया, देखो ये 5 के ऊपर ये स्क्वायर है, ऊपर में है, तो ये एक्चुअली में लेता नहीं है जब हम यहाँ पे टाइप करते हैं पावर में, तो ये पावर में है बेसिकली, ठीक है? मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया, ये यहाँ पर भी सेम चीज है, ये पावर में है। ओके,
उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पे मैंने इसको ऐड करा, 37.5 मीटर आपका डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर आपकी ये वर्कशीट जो है डन हो जाती है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।